हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रबर बैंड की सहायता से धागा रखने वाला डब्बा बताऊंगी, बनाने बताऊंगी और साथ में रबर बैंड का बहुत सारा यूज़ बताऊंगी जो आपको डेली लाइफ में जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट। आपका जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आप रबर बैंड के यूज़ से उसे ढीला कर सकते हो। जैसे रबर बैंड ले लो इसे और इसके अंदर डाल दो और इसे इसे ये हो गया और इसे जब पहनोगे तो इसमें फैला दोगे इस तरह से। तो रबर बैंड के यूज़ से आप इसे ढीला भी कर सकते हैं। आप कभी भी बाहर जाओ तो अपने साथ रबर बैंड एंड सेफ्टी पिन जरूर रख लेने। ऐसा होता है कि हम कितनी बार बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो पैंट है वो थोड़ा सा लूज हो रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे कि रबर बैंड को लेके ऐसे आप लगा दोगे, जिससे क्या होगा कि वो थोड़ा आपका टाइट हो जाएगा। वो कुछ समय के लिए तो सही रहेगा, जब तक आप घर जा आ जाओगे तब तक के लिए तो चल जाएगा। ये इस तरह से टाइट करके आप लगा दोगे तो ये आपका पैंट फिर टाइट हो जाता है। या फिर सेफ्टी पिन से आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर इसका ये घर बना है तो आप यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा सकते हो उल्टा करके इस तरह से। सेफ्टी पिन लगा के जो मजबूत वाला सेफ्टी पिन है और ये यहाँ पे आप लगा दोगे, जिसके कारण आपका ये रबर बैंड थोड़ा सा ये सॉरी रबर बैंड नहीं, आपका पैंट टाइट हो जाएगा। तो ये आप अपने पर्स में हमेशा रबर बैंड एंड सेफ्टी पिन रख लिया करो। कितनी बार हम बाहर जाते हैं तो रात में जैसे हमें प्लाजो पहन के सोना पड़ता है या जो पजामा होता है वो काफ़ी ढीला होता है, जिसके कारण ठंड में क्या होता है कि पजामा थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और हमें पैर में ठंड लगने लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि रात को सोते समय अपने पैर के अकॉर्डिंग पजामा में आप इस तरह से रबर बैंड लगा दो और यहाँ पर आपका पैर फिट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका प्लाजो या पजामा ऊपर नहीं आएगा और आपको पैर में ठंड नहीं लगेगा। इस तरह से आप लगा के सो जाओ, फिर सुबह इसे हटा देना। कितना बार ऐसा होता है कि हमारा चेन आगे से टूट जाता है, जिसे मैं पकड़ के लगाने में मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास वैसा टूटा हुआ चेन नहीं है। तो मैं इसी से बता रही हूँ कि ये चीज़ टूट जाता है तो उसे ऊपर लगाने में मुश्किल होता है। तो आप इसके सेफ्टी पिन की मदद से आप क्या कर सकते हो कि इसमें इस तरह से सेफ्टी पिन डाल दो और आराम से ऊपर खींचा जाएगा ये
सेफ्टी पिन के मदद से। तो इस तरह से सेफ्टी पिन